सो वेलकम बैक गाइस, क्या आपका एक यूट्यूब चैनल है? क्या आप यूट्यूबर हो? क्या आप एक ही साथ मल्टीपल चैनल्स को एक्सेस करते हो? सच? अपने यूट्यूब ऐप पर जरूर करते होगे, लेकिन दोस्तों अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है चैनल्स को स्विच करने में। जैसे कि आपको पहले पता था कि इस जगह पे आपको स्विच अकाउंट दिखता था, जिसपे क्लिक करके आप एक अकाउंट से मतलब एक यूट्यूब चैनल से दूसरे यूट्यूब चैनल में जा सकते थे, लेकिन दोस्तों अभी ये स्विच अकाउंट वाला सेक्शन है ही नहीं। तो अब अकाउंट या चैनल स्विच कैसे करें, उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिखाने वाला हूँ आज इसी वीडियो में। इसे कहते हैं टैलेंट। सो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एंड तक, क्योंकि प्रॉब्लम भले ही बड़ी है लेकिन दोस्तों सॉल्यूशन बहुत छोटा सा है और वीडियो भी काफी छोटी होने वाली है। हाथ मिलाओ इस बात पर। सो सेइंग ओनली ट्रू, लेट्स गेट शुरू। ये तो शुरुआत है, अब देखिए क्या होता है। आमा आमा काम अकाउंट या यूट्यूब अकाउंट को स्विच करने का फंडा सबसे पहले मैं आपको क्रोम में दिखा देता हूँ, उसके बाद चलते हैं यूट्यूब ऐप पर। सो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे कोने में आइकॉन दिख रहा होगा अपने चैनल या अकाउंट का, उस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों लोडिंग होने के बाद यहाँ पे आपको रिजल्ट्स दिखाए जाएंगे। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं स्विच अकाउंट का आपको ऑप्शन में आ रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके जो अकाउंट्स है वो एक के बाद यहाँ पे लिस्टेड हो जाएंगे, आपको देखने लगेंगे। अगर आप स्विच करना चाहते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में तो दोस्तों आपको दूसरे अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपका यहाँ पे लोडिंग हो गया। अब लोडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आप दूसरे चैनल या आपके दूसरे जीमेल अकाउंट जो कि यूट्यूब में है, आप उसमें रिडायरेक्ट हो जाएंगे। इस तरह से आप गूगल क्रोम में अपने अलग अलग अकाउंट्स को स्विच करके एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम आ रही है हमें यूट्यूब ऐप पर, और सॉल्यूशन यूट्यूब ऐप पे ही चाहिए, क्योंकि शायद गूगल क्रोम में स्विच करने से यूट्यूब ऐप पे हम ऑटोमेटिकली स्विच नहीं होते हर वक्त, और हर वक्त हम गूगल क्रोम को यूट्यूब एक्सेस करने के लिए यूज नहीं करते, हम डायरेक्ट यूज करते हैं यूट्यूब ऐप को। सो चलते हैं यूट्यूब ऐप पर और देख लेते हैं क्या है प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन। जैसे कि दोस्तों आपने देखा कि हमने गूगल क्रोम में अपने चैनल को स्विच कर लिया था, लेकिन दोस्तों ये यहाँ पे स्विच नहीं हुआ है। यहाँ पे हमें अलग से स्विच करना होता है, मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने के लिए हमें यहाँ से भी उस सेटिंग को चेंज करना होगा, मतलब स्विच अकाउंट करना होगा। फिर स्विच अकाउंट करने के लिए हमें लोगों पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप दोस्तों देख सकते हैं टाइम वॉस्ट गेट प्रीमियम, यहाँ पे हमें पहले स्विच अकाउंट का ऑप्शन आता था लेकिन दोस्तों अब नहीं आ रहा है। तो दोस्तों हम चैनल को स्विच करें तो करें कैसे? सो दोस्तों उसके लिए आपको यहाँ पे ऊपर में आपका चैनल का आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अकाउंट्स के लिस्ट आपके सामने आ जाएंगे, जो भी आपके यूट्यूब अकाउंट्स हैं, जीमेल अकाउंट से आपने यूट्यूब लॉगिन किए होंगे वो सारे लिस्ट आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। स्विच करने के लिए दूसरे अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपका चैनल अब चेंज हो गया, मतलब दूसरे चैनल पे आप आ गए, आपका चैनल स्विच हो गया। इसी सिंपल ट्रिक से आप अपने यूट्यूब ऐप पे अलग अलग अकाउंट्स एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में स्विच कर सकते हैं या फिर जा सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं। बड़ी श्रद्धा कपूर से तूने इसकी आरती छबरिया निकाली है। Very good. I'm too good. So, काफी आसान था ना? So, दोस्तों YouTube पर आपके अलग अलग अकाउंट्स और IDs को स्विच करने से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी, शायद इस वीडियो से सॉल्व हो गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, आपका जो मन करे आप वो करो। So, मिलता हूँ आपसे फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। So, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।